मंचा सिंह समाजवादी पार्टी के नेतागण। साथियों, इस देश में आज आजादी के 71 से ज्यादा वर्ष हो गए। इन 71 वर्षों के इतिहास में लगभग 55 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है और श्री मोदी जी से पहले 6 बरस तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनसे पहले जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल पार्टी थी, वो भी 70 से 80 तक के इस देश में प्रधानमंत्री रहे हैं। साथियों, 2000 साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो इस देश की आबादी 38 करोड़ थी और उस 38 करोड़ में केवल 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे और इस देश में केवल 22 लोग ऐसे थे जिनकी हैसियत 1 लाख से रुपए से अधिक की थी। लेकिन 2003 में जब आर्थिक आधार पर गणना हुई तो इस देश में 2 लाख परिवार ऐसे निकले जिनकी प्रत्येक की हैसियत 1000 करोड़ से ज्यादा की थी। इसके मतलब इस देश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जनता दल या किसी की सरकार रही हो, सबकी एक ही नीति थी, गरीब को गरीब बनाना और पैसे वाले को पैसे वाला बनाना। साथियों, गरीबी रेखा का ये रिकॉर्ड था कि देश में जो 18 करोड़ लोग गरीब थे, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर 55 साल तक राज किया। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 लाख का वादा करके 11, 12 साल, 13 साल तक सरकार चलाई, लेकिन देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। इसके मतलब इस देश में सरकार चलाने वाली पार्टी चाहे जौन रही हो, उनकी एक ही नीति थी, गरीब को गरीब बनाना और पैसे वाले को पैसे वाला बनाना। इसलिए आप लोगों को विचार करना होगा, कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है? पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? पूंजीपतियों की पार्टी है। आज मुकाबला करना है, गरीब, हम लोग गरीब हैं। बहुजन समाज पार्टी किनकी पार्टी है? गरीबों की पार्टी है। गठबंधन की पार्टी, समाजवादी पार्टी किनकी पार्टी है? गरीबों की पार्टी है। गरीब ही आपका दुख दर्द समझ सकता है, पैसे वाले को आपका दुख दर्द याद नहीं है। इसलिए गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव को यहाँ का गरीब चाहे जिस जाति धर्म का हो पूरी तरीके से वोट देकर जीत का इतिहास रचने का काम करेगा। साथियों, आपको ध्यान देना होगा, श्री मोदी जी ने वादे किए थे कि 100 दिन के अंदर हम जो कल कारखाने बंद पड़े हैं, जैसे कानपुर में लाल इमली मिल और एल्गिन मिल बंद पड़ा है, पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं, उनको चालू करेंगे। आज तक एक मिल चालू नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 10 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया। लेकिन आपको मालूम है, एनएसओसी की रिपोर्ट के हिसाब से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 करोड़ रोजगार युवाओं से छीन लिए हैं। ऐसी निकम्मी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, आप यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं, सारे लोग किसानी वाले लोग आए हुए हैं। आपको मालूम है, जब 8 तारीख को नोट बंद किया था तब आपका आलू 850 रुपए पैकेट बिक रहा था कोल्ड स्टोरेज में। दूसरे दिन आपका आलू कोई पूछने वाला नहीं था। अगर नोटबंदी से किसी को नुकसान हुआ है तो फिर किसानों को नुकसान हुआ है, गरीबों को नुकसान हुआ है। साथियों, इतना ही नहीं, जो हमारे गरीब भाई हैं, नोटबंदी से पहले नोएडा में, गाजियाबाद में, सूरत में, अहमदाबाद में, देश के कोने कोने में फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन फैक्ट्रियों में 3-3 हजार 3-3 शिफ्टों में काम करते थे, नोटबंदी से वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गए, क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं थे और रोजगार खत्म हो गया।
जो गरीब थे, जो साल में वहां से 50,000 बचा के लाते थे और फिर मोटरसाइकिल खरीदे थे, अपनी छत को जलवाते थे, अगर नुकसान किनका हुआ, उन गरीबों का नुकसान हुआ, पैसे वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि पैसे वालों का बहुत नुकसान हुआ है। लाइन में लगे हुए लोग कौन थे जो 2000 रुपए के लिए लाइन में लगे थे, 50,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में लगे थे, जिनके पास 100 करोड़ थे वो लाइन में नहीं लगा था। जो लोग हत्याएं हुई हैं, जो लोग नोटबंदी में जौन मरे हैं, वो कौन लोग हैं? हमारे आपके भाई हैं। आप लोग वोट देकर गठबंधन को दिल्ली की सत्ता में पहुंचा दो, फिर उसकी जांच होगी। मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा। साथियों, वक्त हो रहा है। जय भीम, जय भारत। साथियों, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।